अच्छा सुनो यार, मैं वॉइस नोट भी बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, मम्मा गई हुई हैं किसी लड़की को देखने मेरे लिए। यार वो बात आगे बढ़ गई है, पता नहीं वो बात पक्की करके आ गई हैं, अब वो सामने वाले देखने आएंगे। क्या करूँ यार मैं। मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। मतलब बात पक्की करके आ गई हैं, आपको कुछ पता नहीं, आपके मुंह में जबान नहीं है, तो आप क्यों नहीं करते हमारे बारे में बात उनसे? बताएं उनको क्या पसंद करते हैं। मुझे टेंशन में डाल दिया, क्या हो गया? प्लीज इस तरीके की बातें नहीं करें। आप जाएं अपनी मामा से बात करें, उनको बताएं मेरे बारे में। यार मैं कैसे बोलूँ, मम्मा सिस्टर सब पसंद करके आ गई हैं, उसे फैमिली आपस में अटैच हो रही हैं, क्या करूँ मैं यार, मैं किस तरह बोल सकता हूँ इस तरह। मुझे अपनी मामा से मिलवाया था तो उनका तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन था, और जब वो मुझसे मिली थी तो मुझे लगा शायद उन्होंने मुझे पसंद किया है, और आपने मुझे कहा था कि आप बात करेंगे, तो उसका मतलब आपने अभी तक बात ही नहीं की है, जो वो रिश्ता भी पक्का करके आ गई है। देखिए आप मुझे कंफ्यूज नहीं करें, आप किस तरीके की बातें करें मुझे नहीं समझ आ रहा। अटैचमेंट्स क्या क्या होती हैं? अटैचमेंट हमारे बीच क्या था? प्लीज आप बात करें यार, मुझे नहीं पता कुछ भी। यार उस वक्त मैंने मम्मा को ये बताया था ना कि तुम मेरी दोस्त हो, मैंने ऐसा नहीं बताया था कि हमारा आपस में रिलेशन है, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो, और मैंने सोचा था बात करूंगा मैं उनसे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ इतना सडन हुआ, स्टडीज और इन सब के बीच में मुझे लगा एक ब्रेक आएगा, उस ब्रेक का मैं वेट करता रहा, लेकिन वो ब्रेक नहीं आया। अब वो जिस लड़की से करके आई है बात, मैं किस तरह मैं उसे मना करूँ, वो लड़की में कोई ऐब ही नहीं है, वो लड़की इतनी अच्छी है, अब मैं क्या बोलूँ कि क्या वजह है मना करने की उस लड़की को। क्या मतलब है, मेरे अंदर कौन सी बुराइयां हैं जब वो इतनी अच्छी है? तो मुझसे उसकी बुराइयां करते थे, आज तुम्हें वो अच्छी लगने लगी, वाह। तो फिर हमारे बीच क्या था, जरा मुझे ये बात बता दो, क्या तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत मोहब्बत नहीं थी? तो तुम्हें कोई एतराज ही नहीं है उनके तो रिश्ता पक्का करने से और इन सबसे? मतलब टेल मी क्या हो रहा है यार ये सब? यार यही बुराई है तुम्हारी, तुम हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाती हो, मैं इसको और नहीं बढ़ाना चाहता, बस यार थक गया हूँ मैं इसको नहीं बढ़ा सकता, हर चीज में आर्ग्यूमेंट, हर चीज में बातें, तुम्हारे हर चीज के मसले, उसे जरूरत नहीं पड़ती इतने इतने मेकअप्स की जितना तुम करती हो, वो हर 15 दिन में पार्लर्स में जाके नहीं बैठी होती, वो बहुत सिंपल सीधी लड़की है और नेचुरल ब्यूटी है, और ना ही वो मेकअप करती है तुम्हारी तरह। अब तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा तो तुम मेरे मेकअप पे आ गए, खत्म करना है तो यार वैसे ही करो ना, तुम मेरे मेकअप को क्यों इस तरीके से बीच में ला रहे हो कि मतलब मेकअप करती हो और ये वो और तुम्हारी तरह नहीं करती है? मतलब मैं कोई अगर पार्लर जाती हूँ ना 15-20 दिन में, तो मैं कोई फेशियल करवाने के लिए और कोई स्पा में अपना हेयर डू करवाने के लिए, मेकअप करवाने के लिए नहीं जाती हूँ, अपर लिप बनवाने के लिए जाती हूँ, और पूरी दुनिया जाती है, तो इसमें कोई नेचुरल ब्यूटी का ताल्लुक नहीं है। जरा जाके थोड़ा सा देखभाल लो, तुम्हारी बहनें भी जाती होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ मेकअप की बात को नहीं लेके बैठ रहा, मैं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेकअप की बात को नहीं ले रहा, और जितना तुम मेकअप करती हो उतना कोई भी नहीं करती, तुम मेरी गाड़ी की सीट पे लेटती हो तो उधर मेकअप लगा लगा के उठती हो, 10-10 दिन तक वो मेकअप नहीं जाता, तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या सैक्रीफाइस करने पड़ते हैं, घर में छुप छुप के जाना पड़ता है, मेरी शर्ट पे तुम्हारी लिपस्टिक, गर्दन पे तुम्हारी लिपस्टिक, हर जगह मेकअप, शर्ट खराब, खुद कपड़े धोने पड़ते हैं, वॉशरूम छुप के जाना पड़ता है, कोई देख ना ले, कोई लड़की इतना पॉलर नहीं जाती, और मैंने उसकी पिक्चर देखी, उसके कहीं भी बाल नहीं आते। ऐसा क्या देख लिया कि तुम्हें बाल भी नजर आ गए? मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई ऐसा कैमरा इजाद नहीं हुआ है कि जो इतना फोकस करके ये भी दिखा दे कि कहाँ कहाँ बाल हैं कहाँ कहाँ नहीं है, तो ये तो इंतहाई फजूल सी बात है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि उसके बाल नहीं है तो ठीक है भाई, मैं क्या कह सकती हूँ, जब बाल निकल आ जाए उसके तो आ जाना मेरे पास, जब तुम्हें लगे कि हमारा रिलेशनशिप सीरियस है, क्योंकि ये अजीब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है किस तरीके की बातें कर रहे हो तुम मुझसे आज। सब हर लड़की करती है, थोड़ा ही सही लेकिन करती है, और जो नहीं करती ना तो जरा झांक के चेक कर लेना कि वो लड़की है भी या नहीं। तुम्हारा हमेशा का यही है कि नए नए बहाने करके चले जाते हो और फिर वापस मेरे पास ही आ जाते हो। तो देखो बाल हर लड़की के आते हैं, तो जब जब अब तुम्हारी जो भी है वो उसके बाल आए तो वापस मुझे पता है तुमने मेरे पास ही आना, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें ब्लॉक करके जा रही हूँ, और अगली बार जब छोड़ के जाओ ना वो राव तो फिर कोई नया बहाना सोच के आना, क्योंकि बालों वाला तो इंतहाई फजूल था। और हाँ, जब खुद के बदन पे अनिल कपूर जैसे बाल आते हो ना तो फिर दूसरों के भी बर्दाश्त कर लेने चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।